मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की योजना में अंधेरा करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन पुलिस ने आज ऐसे 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाई गई लाखों रुपए की पोलार्ड लाइट ही चुरा ली थी। इनके 3 साथी पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। मुरादाबाद के सौंदर्यकरण हेतु सिविल लाइन इलाके में लगी पोलार्ड लाइट गायब होने से पिछले दिनों पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया था, क्योंकि जो लाइट गायब हुई थी वो सिविल लाइन थाने से मात्र 100 मीटर दूरी पर लगी हुई थी। इस मामले में मुरादाबाद की पुलिस की खासी फजीहत भी हुई थी, और हो भी क्यों ना, ये लाइट अटल पथ पर जो लगी हुई थी जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। इस मामले में 1 माह पूर्व सिविल लाइन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से बड़ी संख्या में पोलार्ड लाइट भी बरामद की थी, और इस गैंग के फरार चल रहे लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 शातिर चोर पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो वर्तमान में थाना गलशहीद इलाके के असालतपुरा रह रहे थे। सिविल लाइन CEO कुलदीप पुनावत इसे बड़ी कामयाबी मानकर चल रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि ये बड़ा गैंग है। यहाँ पे नगर निगम ने जिला मुरादाबाद के सौंदर्यकरण के लिए कार्ट रोड के आसपास पोलार्ड लाइटें लगाई थी, और जिससे कि ये सुंदरता बढ़े मुरादाबाद की। यह जो कार्यक्रम था ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर किया गया था। इसमें पिछले कुछ दिनों से शिकायतें आई थी कि यहाँ पे जो नई लाइटें लगाई गई है ये लगातार से चोरी हो रही थी। इस संबंध में पहले भी एक मुकदमा पंजीकृत करके 3 लोगों को जेल भेजा गया था, उनके पास से लाइटें बरामद की गई थी। उसमें उसी दौरान जो उनसे सूचना मिली थी उसी के तहत कुछ मुलजिमों की तलाश थी, जो कि अभी 3 मुलजिम उस दौरान उसी के कंटिन्यूएशन में पकड़े गए हैं, और इस पे इनके पास से 17 लाइटें बरामद हुई हैं, 17 पोलार्ड लाइटें बरामद हुई हैं। और इसके अलावा इनसे बातचीत में यह भी निकल के सामने आया कि ये सब लाइटें चोरी करके ये अपने नशा का शौक पूरा करते थे, और इनके पास से स्मैक भी बरामद हुआ है। और इनको गिरफ्तार करके थाना सिविल लाइन पुलिस ने, जो कि लगातार घटनाएं हो रही थी उस पर आवश्यक रूप से रोक लगी थी। क्या आपने की तरह यह 3 के 3 जो इनके नाम है दिलशाद शेख, सरताज और पन्ना, ये 3 के 3 असालतपुरा के रहने वाले हैं। मूलतः ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनके पास इनके ऊपर पूर्व में भी चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, तो ये लगातार मतलब अपने नशे के शौक पूरा करने के लिए घटनाएं किए हैं, और अभी भी इनको भेजने के बाद इस चोरी की इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगेगी। सर, पूर्व में जो एक घटना हुई थी क्या उसमें भी इन लोगों का हाथ था चोरी की? पूर्व में जो 3 लोग पकड़े गए थे उन लोगों ने यह बताया था कि इस तरह की घटना करने वालों में कुछ और लोग भी शामिल हैं, तभी से इनकी निरंतर तलाश चल रही थी। इसी दौरान कुछ और घटनाएं हुई थी लाइट टूटने की, तो उसी के संबंध में ये पकड़े गए। सर, ग्रुप में ये 3 सदस्य हैं या और भी इनके सदस्य हैं? अभी इनसे पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं, हालांकि उन्होंने लाइट के संबंध में नहीं है, बट इनके साथी हैं जो कुछ और इस प्रकार के अन्य छोटी मोटी चोरी करते हैं।